नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। और हम अभी हैं जयपुर के ईडी कार्यालय के सामने, जहां पर कांग्रेस का अडानी महाघोटाले को लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में तमाम जो नेता हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम कहीं बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। बी डी कल्ला है, बाबूलाल नागर है, हरीश चौधरी है, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज पूरे भारत देश में ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा बुलाया गया है, और हम कोशिश करेंगे नेताओं से बात करने की, जिसमें हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप भी आज जो महाप्रदर्शन है घोटाले को, जहाँ ईपीसी लेकर, नहीं, आज जेपीसी को मांग को लेकर कि 10 सालों में इस देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, और उन घोटालों की जांच करने के लिए जो जिनकी जिम्मेवारी है वो खुद भी इस घोटाले के अंदर सम्मिलित है। सेबी जो अडानी घोटाला हुआ है उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है। अब कौन जांच करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर। सब जब संस्था ही आज कमजोर की जा रही, संस्था लिप्त है, तो इस देश का भविष्य क्या रहेगा? यूपीएससी का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। नहीं, यूपीएससी के संदर्भ में भी एक ही ये बातें हैं, लेटरल एंट्री के बारे में जो बात हुई, लेटरल एंट्री के लिए, वो लेटरल एंट्री किस मकसद से करी गई, और जो निराधार उसके ऊपर विवाद किया और आखिर के अंदर यू टर्न लेना पड़ा। कल भारत बंद भी रहा, भारत बंद जो वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनके निर्णय से आहत है, उन वर्गों ने कल भारत बंद किया। ये देखिए, हरीश चौधरी जी थे जो कह रहे थे कि जो घोटाला होता उसके तमाम जो जगह, हमारे साथ अभी जो है बी डी कल्ला जी भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हिंडनबर्ग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसकी निष्पक्ष जांच जेपीसी के माध्यम से हो, इस बात को लेकर हम धरना दे रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए इधर उधर हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जब जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जेपीसी की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। सर, एक यूपीएससी का सबसे बड़ा जो मैटर चल रहा है अभी देश में, उसके बारे में क्या क्या यूपीएससी को लेकर जो चल रहा है? यूपीएससी में जो लेटरल भर्ती की जा रही थी उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। हमारे राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस इश्यू को उठाया था। मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि जो बरसों से लोग आईएएस की तैयारी करके आते हैं, धीरे धीरे जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, इन्होंने 45 वैकेंसियां निकाल करके और जिस तरीके से आरक्षण को दरकिनार रख करके ये भर्ती करनी शुरू की थी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए सरकार को वापस लेना पड़ा अपना कदम। भारत बंद का आह्वान किया गया था SC ST का वर्गीकरण को लेकर, उसके बारे में जो पार्टी हाईकमान निर्णय करेगी उसके साथ है हम। देखिए, जो तमाम जो मांगे थी उसको लेकर कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान है वो उस पर निर्णय करेगी, उसके साथ है। और आपको बता दें, जो अडानी जो मांग घोटाला उसकी जेपीसी की मांग को लेकर मुख्य मांग है, उसकी जांच जेपीसी के द्वारा की जाए, उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।